यूपी के बिजनौर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया। एक हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने घायल को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश तक नहीं की। तस्वीरें भी आपके सामने, कैसे घायल अवस्था में युवक तड़पता रहा। बिजनौर के ठाकुर द्वारा हाईवे की ये घटना है, जहां बाइक को डंपर ने टक्कर मारी। बाइक सवार दो महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, लेकिन बाइक चला रहा युवक घायल अवस्था में था। और यहां तस्वीर में भी देखिए कि युवक कैसे तड़प रहा है, लेकिन इस बीच किसी ने भी इसे अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि लोग वहां सिर्फ तमाशबीन बने रहे, वीडियो बनाते रहे। आरोप है कि जानकारी मिलने पर भी पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन सिर्फ वीडियो बनाती रही। अमित रस्तोगी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या पूरे मामले में अभी तक कोई जांच की गई है कि आखिर क्यों इस शख्स की कोई मदद नहीं की गई? देखिए, सबसे दर्दनाक पहलू इस पूरे मामले में यह है कि ये लोग दो घंटे तक रोड पर पड़े रहे। पीसीआर वैन को सूचना दी गई, चलते राहगीरों ने ही सूचना दी, उन्होंने भी उठाना मुनासिब नहीं समझा, अस्पताल पहुंचाना मुनासिब नहीं समझा। और जब पीसीआर वैन के लोग आए, पुलिसकर्मी उसमें थे, उन्होंने अपना आते ही पहले वीडियो बनाना शुरू करा। उनसे लोगों ने कहा भी कि इनको आप जो है हॉस्पिटल लेके चलिए, पहले वहां पे एडमिट कराइए, इनकी जान। मैंने आपसे ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन जरूर होना चाहिए जो मदद नहीं करते लेकिन सिर्फ वीडियो बनाते रहते हैं। लेकिन इस केस में तो हैरानी इस बात की है कि मौके पर पुलिस पहुंची और वो भी वीडियो बनाती रही। सबसे दर्दनाक पहलू यही है कि पुलिस मौके पर पहुंचने के बावजूद वहां वीडियो बना के अपनी जो है कार्रवाई करती नजर आ रही थी। कोई भी शख्स और आम जनता भी उसमें इतनी ही दोषी है कि वो लोग भी देखते रहे, उठा के ले जाने की कोशिश नहीं की कि एक जो है बिलाल नाम का ये 23 साल का लड़का तड़पता रहा। और नतीजा यही हुआ कि आखिरकार इसे अस्पताल पहुंचाया गया और इसकी भी मौत हो गई। आपका शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।